इस क्लास uh, में हम लोग समझेंगे चैप्टर फर्स्ट ऑफ हिस्ट्री क्लास टेंथ राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप दिस लेक्चर इज अ रिविजन जो बच्चे नहीं पढ़े हैं साल भर उनके लिए ये जरूरी रिविजन है टेंथ बोर्ड एग्जाम देने से पहले क्विक रिवीजन रिविजन है ये तो लेट स्टार्ट इसके अंदर हम लोग फ्रेंच रेवल्यूशन जहाँ से आपने नाइन्थ में छोड़ा है वहीं से हम इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे इसमें अंदर हम देखेंगे कि नेशनलिज्म किस तरीके से यूरोप में चला है और क्या नेशनलिज्म का क्या मतलब है और ये फीलिंग सेंस ऑफ प्राइड और सेंस ऑफ टेरिटरी और एक कंट्री का डेफिनेशन देगी इसके अंदर हम यूनिफिकेशन देखेंगे जिसमें हम इटली जर्मनी आ, उसके अलावा विजुअलाइजेशन इन नेशन एंड एज ऑफ रेवोल्यूशन हम देखेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन हम देखें नेशनलिज्म नेशनलिज्म एक तरीके से एक आइडिया है एक मूवमेंट है जिसमें हम एक पर्टिकुलर नेशन को आ, देखते हैं कि पर्टिकुलरली ये जो एरिया है या फिर एक पर्टिकुलर डिफिन लैंड है होम लैंड मतलब एक तरीके से हम देखते हैं कि पूरी कंट्री एक पूरा जो लैंड सर्विस टेरीटरी के अंदर जो एरिया है वो हमारी कंट्री है जैसे कि इस चैप्टर के स्टार्टिंग में आपके पास एक पेंटिंग होगी जिसको फेडरिक सेरियो ने बनाया है एक्चुअली ये एक ड्रीम था फेडरिक सेरियो का एंड एक फ्रेंच आर्टिस्ट हैं और इन्होंने एक पेंटिंग बनाई उसी ड्रीम को विजुअलाइज करके ये पेंटिंग है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि काफ़ी यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज स्टैचू ऑफ लिबर्टी को पास आउट कर रही है और वहीं ऊपर एंजल्स जो है उनको आशीर्वाद दे रहे हैं नीचे ग्राउंड जो है वो ऐसे डस्टबिन की तरफ बढ़ा हुआ है मीन्स इट इज़ अ यूजलेस नाउन सो बेसिकली जो भी ले, ले, स्टैचू ऑफ लिबर्टी से पास हो रही है कंट्रीज़ दे आर गेटिंग डेमोक्रेटिक एंड बाकी उसी रूट पर है इसका मतलब मनार्की जो है धीरे धीरे यूरोप के अंदर कल्चर से निकल रहा है और नाउ एवरी कंट्रीज आर लुकिंग फॉरवर्ड टू बिकम अ नेशन एंड टू गेट अ डेमोक्रेसी अब नेशन स्टेट होता गया है नेशन स्टेट का जो आइडिया है बेसिकली जैसे आप इसको पढ़ेंगे तो एक पर्टिकुलरली एक कंट्रोल्स जो है एक अपना एरिया होता है जिसके अंदर हम सब एक कॉमन लोग रहते हैं एक साथ सबका जो कल्चर है वो एक जैसा होता है जैसे कि आप देख सकते हैं एक डिफाइंड होगी जहाँ पे एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन होगा कॉमन हमारी फीलिंग और हिस्ट्री होगी और एक तरीके से एक्सेप्टेंस होगा उस पर्टिकुलर एरिया को एक कंट्री के नाम पर इन द वर्ल्ड कम्युनिटी अब जिन भाई साहब ने पहली बार नेशन की डेफिनेशन दी है वो है अर्नेस रेनन आप देख सकते हैं इस पिक्चर के अंदर एंड वॉट इज नेशन सो थर्ड पॉइंट अकॉर्डिंग टू हिम नेशन इज द कल्बिनेशन ऑफ लॉन्ग पास्ट ऑफ एंड सेक्रीफाइस एंड डिवोशन इट मीन्स सेम कल्चर सेम सेक्रीफाइजेज एंड हैविंग अ सेम ऑब्जेक्टिव पर्टिकुलरली रिजाइडिंग इन अ पर्टिकुलर टेरिटरी सो so, अब फ्रेंच रेवोल्यूशन एक आइडिया है नेशन का और जैसे कि आपको पता है नाइन्थ क्लास में हमने पढ़ा है कि सेवनटीन एटी नाइन में फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है उसके आने धीरे धीरे मोनार्की को हटा दिया जाता है है ना और जैसे कि फॉर्मेशन जब मोनार्की को हटा देंगे तो जब नेशनल असेंबली आएगी वो लोगों को समझाएगी कि कंट्री क्या है फ्रांस क्या है इसके लिए जो अलग अलग तरह के लोग हैं उनको हम सिटीजन्स बोलेंगे सिटी और इस तरीके लिए हमें कोई साइंस लोगोस बनाने पड़ेंगे जैसे कि फ्रेंच जो फ्रांस के लोगों के लिए एक आइडेंटिटी बना और वो आइडेंटिटी ये था कि फ्लैग ठीक है कि हमारी कंट्री का फ्लैग है एक नेशनल असम्बली बनी उसके बाद में जो भी शहीद हुए थे इसके लिए उनको एक तरीके से अवॉर्ड अवार्ड देने का सिस्टम हुआ पिक्चर्स बने क्लास नाइन्थ में हम देखे थे अलग अलग पिक्चर्स थे जिसके अलग अलग डेफिनेशन थे अब स्टेट लैंग्वेज मतलब लैंग्वेज uh, को सिमिलर करने की कोशिश की गई यूनिफॉर्म लॉ बने सबके लिए कॉमन वेट और मेजरमेंट और इंटरनल कस्टमर ड्यूटी सबके लिए इक्वली विदाउट डिस्क्रिमिनेशन चाहे वो किसी भी स्टेट का हो क्लर्जी हो नोबल हो या थर्ड स्टेट का हो नाउ ये जो नेशनलिज्म का जो आइडिया है ये धीरे धीरे फैल जाता है पर्टिकुलरली जेकोम क्लब्स के दौरान और उसके बाद में जो फ्रेंच आर्मी है वो हॉलैंड पे कब्जा करती है बेल्जियम स्विट्जरलैंड इटली और इस तरीके से धीरे धीरे जब ये एक्सटेंशन होता है तो यहाँ से टेरिटरी को एक्सपैंड करने का थ्योरी आएगा और यहाँ से एक इम्पेरियलिजिजम की भावना भी आएगी जिसके अंदर हम कहेंगे कि हमारा जो तो देश है वो सबसे अच्छा है वो इस रिस्ट है ये जो बड़े धीरे धीरे फ्रांस से होते हुए पूरे यूरोप में फैलेगा नेशनलिज्म का आइडिया नेशन क्या होता है सेम डेफिनेशन क्या होती है राजा के बिना भी कंट्री चल सकती है ऐसा एक आइडिया फ्लो करेगा अब नेक्स्ट हम देखेंगे द रूल ऑफ नेपोलियन क्योंकि जब सबसे पहले नेशनल असेंबली असम्बली को हटा के आती है उसके बाद में जेकोबिन क्लब आएगा जो गुलेटाइन करेगा जो एक्से एक्सेसिव गुलेटाइन के वजह से रॉबिस फायर को भी गुले, गुलेटाइन कर दिया जाएगा यह आई वो आपने नाइन्थ में पढ़ा है और जिसने भी नाइन्थ में पढ़ा है उसके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा चैप्टर मेरे हिसाब से फिर इस चैप्टर में कुछ बचा ही नहीं है डाउट के लिए सो बेसिकली नेपोलियन एक तरीके से आफ्टर सबसे पहले आया है नेशनल असेंबली नेशनल असेंबली के बाद में आएगा आपके जैकोबिन क्लब फिर डायरेक्टरी डायरेक्टर के बाद में उसको उन डायरेक्टर को हटा के जो नेपोलियन जो आर्मी चीफ आर्मी चीफ है वो पावर में आ जाएगा एंड जैसे ही वो आएगा वो एटमोस्ट अट फ्रांस की बाउंड्रीज़ को काफ़ी एक्सटेंड करेगा फ्रांस की बाउंड्री को एक्सटेंड करने के साथ साथ ये इस नेपोलियन का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा लोग पसंद करेंगे इसे एवरी कॉमन मैन विल बी लाइकिंग हिम बिकॉज ही ही आल्सो इज़ वन ऑफ द मेंबर ऑफ थर्ड स्टेट जो एक आम आदमी थर्ड स्टेट का मेंबर होकर इतने ऊपर तक पहुँचता है तो एक आदमी एक आम आदमी हिस्ट्री में पहली बार एक बड़ी रैंक पे एक मुनाक बन जाता है कंट्री का एंटायर डेमो यू नो लीडर बन जाता है तो एक अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी तो जैसे ही वो आएगा जो पुरानी जो भी फ्यूडल लॉज थे जो मेनोरियल सिस्टम थे वो लाइफ से हटा देता और काफ़ी नए नए चेंजेस चेंजेज लेके आएगा जैसे कि सबसे पहले 1804 के अंदर नेपोलियन कोड लेके आएगा नेपोलियन कोड में हुआ क्या है कि अबोलीशन ऑफ प्रिवेलेज बेस्ड ऑन बर्थ की जो भी आपको बाई बर्थ राजा महाराजा को जो फैसिलिटीज मिल रही है वो अबोलिश हो जाएगी इक्वालिटी बिफोर लॉ सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी अब हर एक के पास प्रॉपर्टी होगी सबके पास राइट होगा राइट टू प्रॉपर्टी रिमूव द गर्ज एंड रेस्ट्रिक्शन सम काइंड ऑफ गर्ल्स एंड रेस्ट्रिक्शन विच वर इम्पोज अर्लियर देन स्टैंडर्ड वेट एंड मेजरमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज वाई ही इज ऑल्सो नोन एज द मॉडर्नाइजेर ऑफ यूरोप फिर जो भी मेरोनल डूज डूज थे उनको हटा दिए गए एडमिनिस्ट्रेशन एक पर्टिकुलर डिवीज़न बना दिया गया एरिया को बांट दिया गया जिसके वजह से उसको अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन में बांट गया ताकि उसको ठीक से हम कंट्रोल कर सकें ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुआ अब रिएक्शन क्या था इसका देखो जब भी आ, फ्रेंच आर्मी जाती किसी पर्टिकुलर अलग अलग कंट्रीज़ में अटैक करने या फिर टेरिटरीज को एक्सटेंड करने तो उसका वेलकम हुआ करता था और धीरे धीरे लोग भी पसंद करते थे कि कैसे भी करके हमारा जो एरिया है वो भी नेपोलियन अपने अंडर ले ले। बट लेटर ऑन क्या होगा जैसे ही आपकी टेरिटरी बढ़ेगी आपको ज़्यादा पैसा चाहिए उसको कंट्रोल करने के लिए आपको ज़्यादा आर्मी चाहिए बट लेटर ऑन द फोर्थ रिक्रूटमेंट विल भी डन क्योंकि लोगों को फैसिलिटी तो चाहिए लेकिन वो खुद सेक्रीफाइस नहीं करना चाहते अब नेपोलियन के पास भी और कोई तरीका नहीं रहेगा टू कलेक्ट मनी और जब ये फोर्स रिक्रूटमेंट करेगा तो कुछ प्रेस uh, में कुछ न्यूज़पेपर में उसके खिलाफ कुछ चीज़ें छपेगी जिसको वो सेंसरशिप कर लेगा उसको रोक लेगा जिसके वजह से भी एक नेगेटिव एक्सपेक्ट देखा जाएगा लेटर ऑन नेपोलियन को लोग जो है नापसंद करना शुरू कर देंगे उतना एक तरीके से सपोर्ट नहीं देंगे सो दिस इज़ द रीज़न फॉल ऑफ नेपोलियन सबसे पहले भैया जब रशिया में ये जाएंगे तो वहाँ ठंड पड़ेगी तो इनकी आर्मी खुद सपोर्ट नहीं करेगी और धीरे धीरे ये अलग अलग एरिया को जब कैप्चर करेंगे तो धीरे धीरे जो अलग अलग एरियाज जैसे कि फ्रांस का कुछ जो एरिया है वो एक्सटेंड करते गए ब्रिटेन से चले गए रशिया का कैप्चर कर लिया गया उसके अलावा रशिया जो आज जर्मनी है वहाँ पर कैप्चर कर लिया गया तो धीरे धीरे ये कुछ चार कंट्रीज़ अलायंस बनाएगी एक अपना ग्रुप बनाएगी और वो एक साथ फाइट करेगी नेपोलियन के साथ जिसके वजह से एक और कारण है कि नेपोलियन जो है उसका डाउनफॉल होगा सबसे पहले जो 1813 में लेस्पे एक जगह है लेसपीज यहाँ पर यह हारा है ठीक है लेप्सिक करके एक जगह है उसके बाद में ऊपर आप देख सकते हैं एल्बा वहाँ पे भी ये हारा है और ये उसकी शुरुआत थी लास्ट में जब 1815 में ये हारेगा वाट व वा, बैटल ऑफ वाटर लू इन एटीन यू कैन सी इन द पिक्चर सो जैसे ही वो हारेगा क्योंकि चारों जो हैं अलग अलग जो कंट्रीज हैं वो अलाइंस बनाएंगी और जैसे ही यहाँ पर आएगी तो वो हार जाएगा ठीक है एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी से इसको हाराया जाएगा और लेटर ऑन इसको छः साल के लिए ऐसा कहा जाता है कि सेंट हेलेना आइलैंड में इसको भेज दिया गया था जहाँ इसकी डेथ हुई थी वहीं इसी के साथ ये जो नेपोलियन वाला चैप्टर है हमारा वो खत्म हो चुका है अब हम देखेंगे द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप सो पर्टिकुलरली ये जो एरा है पूरा 1830 से लेके 1848 तक नेशनलिज्म का आइडिया दूर दूर फैल जाता है खासकर फ्रांस से जर्मनी इटली स्विट्जरलैंड हर जगह और किंगडम जो है वो डिवाइड होते हैं और अपना एक पर्टिकुलर टेरिटरी मैंशन कर लेते हैं कि ये हमारी कंट्री है और इससे ना इंच हम ज़्यादा लेंगे और ना इंच हम कम किसी को देंगे और सबसे पहले आप देखेंगे कि जो रेवोल्यूशन नेशनलिज्म का जो आइडिया है वो मिडिल क्लास से आया है ठीक है और फ्रेंच रेलूशन के बाद में सोसाइटी के अंदर थर्ड स्टेट के अंदर एक और जो क्लास अभी जन्म लेगी वो भी मिडिल क्लास जो पर्टिकुलर इंडस्ट्रियलिस्ट होगी ठीक है दे विल बी एजुकेटेड और ज़्यादा उनको नॉलेज भी है पैसा भी है तो ये राजा की बात नहीं सुनेंगे प्लस उनको पता है कि हम जो टैक्स देंगे वहीं से एरोस्टोक्रेटिक जो क्लास है वो इस सोसाइटी में चलेगी तो यहाँ से कम आएगा लिबरलिज्म लिबरलिज्म का मतलब होता है फ्री कि भैया हमको कोई कस्टम्स वगैरह नहीं चाहिए हम राजा महाराजा ये वाला सिस्टम हमें नहीं चाहिए वी शुड बी फ्री टू ट्रेड फ्री टू लिव फ्री टू एक्सप्रेस अब सोशल लिबरलिज्म का जो आइडिया है वो फ्रांस का है यहाँ पर तीन टर्म्स है लिबर्टी इक्वलिटी एंड फ्रटर्निटी सो तो पॉलिटिकल लिबरलिज्म की बात करेंगे ये थर्ड स्टेट के लोग जो बिजनेसमैन है उनकी डिमांड होगी हर जगह कि भैया एवरी वन शुड बी ऑल द क्लास शुड बी इक्वल फॉर द लॉ राइट टू वोट मिलना चाहिए अब यहाँ पर यह बिजनेसमैन है इसलिए इनका जो फोकस है वो होगा ओनली टू मेन हु ओ ओन्स प्रॉपर्टी ठीक है एंड दे वर अगेंस्ट यू कैन से सफरेट मूमेंट दैट इज वुमेंस आर नॉट अलाउड टू वोट ना इकोनॉमिक लिबरलिज्म की हम बात करें तो फ्रीडम ऑफ मार्केट की सब बिजनेस मैन जो है अपना आइडिया लगा रहे हैं जो नेशनल असम्बली वाला जो कंसेप्ट है फ्रांस के अंदर और जहाँ पर भी डेमोक्रेसी लिबरलिज्म की बात की गई है वो कैपिटलिस्ट या बिजनेस मैन के आइडियाज हैं पर्टिकुलरली और यही रीज़न है कि धीरे 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 ये हर जगह फैलेगा और मोस्टली ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद में यूरोप के अंदर और दुनिया भर में जो बिजनेसमैन है उनकी पकड़ ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी एज कम्पेयर टू मनाक अब एक ज़ोवेलरियन एक तरीके से कस्टम है ये क्वेश्चन दो मार्क्स में पूछा जा सकता है सेक्शन बी के अंदर ये आप देख सकते हैं ठीक है एटीन में कस्टम यूनियन है जोवेलियन वो फ्रेम किया गया था रशिया और जो भी जर्मन स्पीकिंग स्टेट्स हैं उनके बीच में ताकि ट्रेड हो सके ट्रेड होगा तो कनेक्शन बैठेगा और आपस में जो तो कल्चर है वो एक्सचेंज होगा और जब कल्चर एक्सचेंज होगा तो लोगों को पता लगेगा कि हमारी लैंग्वेज सेम है और वहीं से फिर यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी की जो बात है वो आगे बढ़ेगी सो न्यू कंजर्वेटिज्म एटीन फ्रांस के अंदर अठारह सौ पंद्रह में नेपोलियन uh, हार चुका है और यहाँ से फिर वापस से नया मुनार की सिस्टम स्टार्ट किया जाएगा लुइस फिलिप्स को बैठा दिया जाएगा उसके जगह है ना और जो नेपोलियन है उसको सेंट हेलेना में भेज दिया जाएगा अब एक और क्वेश्चन है वेना सेटलमेंट या वियना ट्रीटी। ये वेना ट्रीटी ये चार कंट्रीज में ने मिलकर नेपोलियन के साथ की है। चार वो कंट्रीज है जिन्होंने ने मिलकर नेपोलियन को हराया है चारों का नाम है ब्रिटेन रशिया प्रशिया दैट इज जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया और, और वेना कांग्रेस वेना कांग्रेस का मतलब है कि एक मीटिंग वियना के अंदर ऑस्ट्रिया के अंदर वहाँ के राजा चांसलर ड्यूक मेटरिस्ट ऑर्गेनाइज करेंगे और जो भी वियना में सेटलमेंट होगा कि जो भी नेपोलियन ने एरिया जीता है वो ये चारों कंट्रीज़ आपस में मिल बांट के ले लेंगे और इस स्टी के तहत ही जो नेपोलियन है उसको भेज दिया जाएगा सेंट्रल नाम तो ये कुछ आप देख सकते हैं ये सारे पॉइंट्स इसमें जो लिखे हुए हैं रशिया को पोलैंड मिल जाता है ऑस्ट्रिया नॉर्थ इटली ले जाता है फिर इटली के न्यू में भी हम देखेंगे कि ऑस्ट्रिया ने जो है नॉर्थ इटली ले रखा है या मैप देख सकते हैं और यहाँ पे आप पूरा जो मैप देखेंगे तो आपको क्लियर क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि फ्रांस कहाँ है इटली कहाँ है और ऑस्ट्रिया कहाँ है ये सब आप जब देखोगे तो क्रिस्टल आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा जो कंसेप्ट है ये वियना कांग्रेस की बात कर रहे हैं हम लोग वियना कांग्रेस के बाद में फ्रांस से जो जो चीज़ें ली हैं उसके बाद में की बात है अब हम आ, आ चुके हैं यूनिफिकेशन ऑफ इटली लेकिन उससे पहले हम रेवोल्यूशनरी इसके बारे में पढ़ेंगे तो उस टाइम पे जो सबसे पहला जो रेवोल्यूशनरी थे वो इटली के थे और गुजुपी मेजनी जनोवा में इनका बर्थ हुआ है एंड पर्टिकुलर् uh, अगर हम देखें तो ही हैज़ फाउंडेड टू सीक्रेट सोसाइटी दैट इज़ यंग इटली एंड एन यूरोप ठीक है और यहाँ से ही जो यंग uh, जो मैन है उनका जो माइंड रीड ऐसा कि कहा जाता है बिजनेस मैन के द्वारा और काफ़ी मुनाकी के uh, द्वारा भी कि दिस मैन यूज़ टू चेंज द कंसेप्ट एंड माइंड सेट ऑफ द यंग मैन कि भैया आपको रेवोल्यूशन करना है एंड पर्टिकुलरली इज टॉकिंग अबाउट इटली बिकॉज ही इज़ एन इटालियन रेवल्यूशनरी अब इमेंज ऑफ रेवोलूशन की अगर हम बात करें तो ये कुछ जो 1830 से लेकर फोर्टी एट ये पूरा ही रेवोल्यूशन और चेंज का दौर रहा है अगर हम देखेंगे कि रेवोल्यूशन जब भी हुआ जैसे जुलाई के अंदर रेवोल्यूशन हुआ लुइस फिल्म फिलिप्स को जब हेड बनाया गया ठीक है और बेल्जियम में भी रेवोल्यूशन हुआ है या तक कि फ़्रांस में भी कुछ ना कुछ लोग गतिविधियाँ करते रहे फ्रांस जो लुइस फ़िलिप के अंगेस्ट जो जेकोबिन क्लब के मेम्बर्स थे नेशनल के थे वो भी यहाँ से जो मेटर्निस्ट है उन्होंने एक वर्ड बोला है कि दैट वन फ्रांस नीज द रेस्ट ऑफ द यूरोप गोल्ड कचेज कोल्ड इट मीन्स कि कुछ भी चीज़ अगर फ्रांस में घटित हुई है तो धीरे 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 सारे यूरोप में फैलेगी जस्ट लाइक अ कॉमन कोल्ड ठीक है जैसे कि पहले राजा को मारा गया डेमोक्रेसी लाई तो पूरे यूरोप में वो आइडिया फैला और उसी पर जोर दिया गया और यही डर मेटर्निस्ट को भी था कि कहीं कुछ फ्रांस में ऐसा कुछ बढ़ाना हो जाए जो पूरा इम्पैक्ट डाल देगा पूरे यूरोप पर नाउ इन ग्रीक रेवोल्यूशन टेंथ क्लास की हिस्ट्री के अंदर कुछ ज़्यादा नहीं दे रखा ग्रीक के बारे में बस आपको ये बता रखा है कि ग्रीक जो है इंडिपेंडेंस चाह रहा है एटीन ट्वेंटी वन में उसने स्टार्ट किया पर्टिकुलरली रोटोमन ओटोमन एम्पायर ओटमन टुडे इज टर्की ठीक है एंड पर्टिकुलरली यहाँ पे एक पोइट का नाम है लॉर्ड बायरन इनके बारे में आपको याद रखना है इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं ठीक है थीके? ग्रीक ग्रीक जो लोग हैं उनके दिमाग को समझाया है कि भाई यू आर द क्रिश्चियंस एंड आपका कल्चर अलग है एज कम्पेयर टू द मुस्लिम एम्पायर विच इज़ ऑटोमन एम्पायर एंड फाइनली नाइनटीन थर्टी एटीन थर्टी टू के अंदर ग्रीस को इंडिपेंडेंस मिल जाती है तो दिस इज़ द ग्रीस एंड यू कैन सी द टर्की पहले ये पूरा ही उसके अंदर ही आता था ग्रीस को भी इन्होंने कैप्चर कर रखा था नाउ द रोमांटिक इमेजिनेशन पर्टिकुलरली रोमांटिक इमेजिनेशन का मतलब होता है कि एक तो देखो कंट्री को जो है एक फीलिंग में चेंज करना ठीक है लैंड को सरफेस को ताकि लोगों को लगे कि दिस पर्टिकुलर कंट्री इज माई ओके इट इज़ बेस्ड ऑन द कल्चर बेस्ड ऑन द टोपोग्राफी एंड ये जो सबसे पहले जो ये जो स्टार्ट हुआ है ये पर्टिकुलरली कल्चरल जैसे कि जर्न कल्चर में डांस वॉक उसके अलावा जॉन गोडफ इन ये कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने कल्चरली जर्मन स्पीकिंग स्टेट्स को प्रशिया में मिला दिया एंड लेटर ऑन द नेम ऑफ प्रशिया हैज बीन चेंज टू जर्मनी सो फर्स्ट कलेक्टिव आइडियाज वी ऑल आर द सेम पहले म्यूजिक से लोगों को एक किया जाएगा डांस और मेरा जैसे कि पॉलिश डांस है ठीक है वहाँ पे प्ले करके लोगों को समझाया जा रहा था दैट वाई वी आर डिफरेंट देन रशियन क्योंकि वर्सलिस्ट्रिटी के बाद में पोलैंड का कुछ हिस्सा ज़्यादातर हिस्सा रशिया के पास लगा गया तो पॉलिश जो लोग थे पोलैंड के वो कैसे भी लोगों के दिमाग में ये जाहिर रखते थे कि वी आर डिफरेंट ओके एंड इट इज द सेंस ऑफ कलेक्टिवनेस दैट वी ऑल आर इक्वल एंड डिफरेंट देन एटीन थर्टी के बाद में पॉपुलर स्ट्रक के दौरान हंगर भी है हर्टश भी है जिसकी वजह से लोग जो है और ज़्यादा क्रोधित और, और ज्यादा एक तरीके से अपनी कस्टम और अपने लैंड के लिए लड़ेंगे अब है रिवल्ट ऑफ 1847 फोर्टी सेवन इन पैरिस एटीन के बाद में 1848 के बाद में एम्प्लॉयमेंट शॉर्टेज भुखमरी ज़्यादा हो जाती है लुइस फ़िलिप ये वही है जिनको 1815 में वापस बैठाया गया है रूल करने वाले लुइस फ़िलिप को ज़बरदस्ती फोर्स कर दिया गया है लोग सड़कों पे आ गए और नेशनल असम्बली वापस से पावर में आई और फ्रेज मूवमेंट चला सारे लोग सारे के सारे जो मैन जो ट्वेंटी के ऊपर थे उनको राइट टू वोट मिला ओके okay. इसी में आपको एक रोल रिवोल्ट ऑफ व्यूवर्स भी कहा जाएगा जो पर्टिकुलरली वहीं हुआ है uh, ने क्योंकि लो पेमेंट मिल रहा है काम करने के लिए तो रिवोल्ट किया है वहीं कॉन्ट्रैक्टर्स uh, जो हैं वो पैसा कम देते हैं सिलसिला में जिसकी वजह से और वर्कर डिमांड कर रहे हैं हाईवी जिसके लिए और मनी व्यूवर्स जो हैं वो डिमांड कर रहे हैं गुड प्रॉफिट तो उनको जब शॉर्ट कर दिया गया मार दिया गया तब जाके द सेकेंड फेज ऑफ फ्रेंच बीन स्टार्टेड आफ्टर एटीन फोर्टी एट चलिए अब हम बात करेंगे रेवोल्यूशन ऑफ़ लिबरल्स ये पर्टिकुलरली जर्मनी की बात है फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के अंदर जो 1848 के अंदर है एटी एट थर्टी वन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है यहाँ का जो राजा है विलियम फोर किंग ऑफ प्रशिया ठीक है इन्होंने पहले स्टार्टिंग में आ, आ, बोला कि भैया फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट स्टार्ट करें लेटर ऑन ही रिजेक्टेड इट और जो उस पूरी सिस्टम में वो वापस ज्वाइन करेंगे बिकॉज ऑल द अदर मोनार्क ऑफ द डिफरेंट कंट्री कन्विंसड कि भैया ये जो है इस सिस्टम सही नहीं है एंड देर वॉज मोर कंसेप्ट कि भैया जो uh, बिजनेस आइडियाज़ थे और जो बिजनेस थे जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट को आगे चलाने वाले थे दे वर नॉट दट कॉपरेटिव विद ऑल्सो द मेकिंग ऑफ जर्मन एंड इटली यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी वन वी टॉक अबाउट यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी द मेन कैरेक्टर इज ऑटोमन विस्मार्क यू कैन सीन द पिक्चर सो यहाँ पर तीन वार्स लड़े जाएंगे और तीनों वार्स ये हैं ओटोमन विस्मार्क जो है तीन वार लड़ेगा सबसे पहले वॉर ऑफ सेसलविग एंड हॉस्टिंग एटीन सिक्सटी थ्री ऑस्ट्रिया के साथ भी वार लड़ा जाएगा एटीन सिक्सटी सिक्स और फ्रांस के साथ 370 और ये वॉर के बाद में यूनिफिकेशन हुआ है जो प्रशिया का राजा है उस टाइम पे उसको पूरा जो भी जर्मन स्पीकिंग स्टेट है वो जब वॉर पूरा खत्म हो जाएगा तो उसे पर्टिकुलरली दिस किंग विल बी सेलेक्टेड एंड एलेक्टेड और वी कैन से प्रोक्लेम्ड एज द एम्पर ऑफ द जर्मनी सबसे बड़ा हाथ ये है उन सब एरियाज को मिलाने में कि उस पूरे एरिया को एक साथ मिलाकर मॉडर्नाइज बैंकिंग कर दी जाएगी लीगलाइज और एक जुडिशल सिस्टम सबको एक साथ कर दिया जाएगा जिसके वजह से Uh, जो जर्मन स्पीकर जो अलग स्टेट्स हैं जो ऑस्ट्रिया के पास थे जो फ्रांस के पास थे ठीक है उनको प्रोक्लेम करके जर्मन जर्मनी में मिला दिया जाएगा जैसे कि आप देख सकते हैं और ये आपके बुक में भी है प्रशिया जो है प्रशिया के एक भाग इस तरफ़ है एक भाग इस तरफ है आप देख सकते हैं तो थोड़ा इन सबको एक साथ मिला दिया जाएगा नाउ यूनिफिकेशन ऑफ इटली इटली के अंदर सेवन स्टेट हैं सर्डानिया बिडोमेंट जहाँ पे जो रियल राजा है वहाँ का वो रह, रह रहा है फिर टेस्कैंसी किंगडम ऑफ टू सिसलिस द दैपल स्टेट्स नंबारडी वेनेटिया परमा एंड मेडोना ये अलग अलग आ, स्टेट्स में ज़बरदस्ती फोर्सफुली इटली को कब्जा कर लिया है अलग अलग कंट्री के राजाओं ने ऑस्ट्रिया ने फ्रांस ने स्पेन ने अलग अलग है ना और जो इटली का जो राजा है विक्टर इमानुअल सेकेंड उसको फोर्सफुली एक ही आइलैंड के अंदर रहने वो मजबूर कर दिया गया है सर्डेनिया पेडामेंट के अंदर तो इनिशियल एफर्ट जैसे हमने देखा जेजनी ने किया है इटली को यूनिफाई करने के लिए और रेवोलूशनरी आइडियाज उसने स्टार्ट किए 1831 से लेकिन 1848 तक रेवोल्यूशन चला है दो हाउसेस बनाए हैं दो ग्रुप सीक्रेट सोसाइटी यंग इटली एंड यूरोप बट वो इतना सक्सेसफुल नहीं होता है उसके बाद में जो एफर्ट लिए गए हैं वो इटालियन किंग के द्वारा लिए गए हैं एंड एक्चुअली ही हैज अपॉइंटेड न्यू मिनिस्टर एंड ही वॉज नॉटर एक्चुअली ही इज हैंग गुड रिलेशनशिप विद्रांस सो ये एक्चुअली क्या करेंगे फ्रांस के साथ मिलकर एग्रीमेंट साइन करके एंड ऑस्ट्रिया के साथ ही लड़ पड़ेंगे जिसके वजह से लोम्बार्डी को जो है आज़ाद कराया जाएगा विच इज द नॉट पार्ट ऑफ द इटली विच वॉज अर्लियर रूल्ड बाई फ्रांस सॉरी ऑस्ट्रिया नाउ इन द सदन पार्ट रोल ऑफ गरीवाली गरीवाल्डी जो है साउथ इटली किंगडम ऑफ टूसलिस जहाँ पे स्पेनिश uh, जो लोग हैं जो हैं वो रूल कर रहे हैं तो उनके अगेंस्ट ये रेवोल्यूशन करके फाइट बैक करके रेड कलर का शर्ट इट इज अ साइन ऑफ गैरीबाल्डीज पार्टी ओके कि जो भी गैरीबाल्डी के साथ हैं दूस टू वेयर द रेड शर्ट एंड आफ्टर दैट द इन द विक्टर इमानुअल एज अ किंग ऑफ यूनाइटेड इटली यू कैन सी द द इज इज दिस मैप आफ्टर यूनिफिकेशन ऑफ इटली नाउ दीज आर सम ऑफ द सम्यू पॉइंट जस्ट टेक अ स्क्रीन शॉट ये ज्यादा इतना डिटेल में समझाने की जरूरत नहीं है नाउ वी आर टॉक अबाउट ब्रिटीन यूनिफिकेशन पर्टिकुलरली यू कैन सी अठारह सेंचुरी टिल एटीन सेंचुरी देर वॉज नो ब्रिटिश ओके ब्रिटिश करके कुछ ऐसी कंट्री नेशन नहीं थी चार कंट्रीज uh, थी छोटी छोटी जहाँ पे अलग अलग तरह के कल्चरल लोग रहते थे जैसे कि वेल्स स्कॉट्स आयरिशा इंग्लिश जो इंग्लिश बोलते हैं देख रहे थे इंग्लैंड जो है इंग्लैंड जो इंग्लिश लोग हैं आफ्टर द ग्रीन रेवोल्यूशन आफ्टर द इंडस्ट्रियल रेवोलूशन येस इन्होंने अपनी अपनी धीरे धीरे पावर वेल्थ बढ़ाई और धीरे धीरे ये आसपास के कंट्रीज़ को अपने साथ मिलाएंगे टू तो यूज़ दे रिसोर्स लेटर ऑन वंस दे द्रिकेम ब्रिटेन तब जाके वो आगे और बढ़ेंगे और जैसे अमेरिका इंडिया यहाँ तक आएंगे फॉर द रिसोर्स सबसे पहले ज़रूरी है एक्ट ऑफ यूनियन सेवनटीन ठीक है जिसके वजह से यू फॉर्म हुआ इंग्लैंड ने अब जब जबरदस्त स्कॉटलैंड को कब्जा किया है ब्रिटिश पार्लियामेंट बनी है उसके बाद में स्कॉटलैंड को सेवनटीन जीरो सेवन के तहत कैथलिक क्लेन्स को हर uh, मतलब एक तरीके से क्या किया है कि सप्रेस uh, uh, किया गया है क्योंकि दे वांटेड इंडिपेंडेंस सो स्कॉटलैंड को बोला कि भाई आप अपनी लैंग्वेज छोड़ दीजिए अपना ड्रेस छोड़ दीजिए एंड फोर्सफुली इनको इंग्लिश लैंग्वेज इंपोज कर दिया गया एंड दे हैव बीन टर्न इन टू इंग्लिश स्पीकर यहाँ पे आयरलैंड में अगर हम देखें तो आयरलैंड दो तरीके से बटा हुआ था कैथलिक एंड प्रोटेस्टेंट एंड जो प्रोटेस्टेंट्स हैं इंग्लिश ओके इंग्लिश uh, ने इनकी हेल्प की थी कि वो पूरे डोमिनेट पूरी कंट्री कर ले और कैथलिक्स ने काफ़ी रिवोल्ट भी किया वुल्फ टोन नहीं चाहते थे कि आयरलैंड के लोग मिले इंग्लैंड के अंदर बट ये उनको सप्रेस कर दिया गया एंड लेटर ऑन आयरलैंड फोर्सफुली टेकन इनटू द पार्ट ऑफ द यूनाइट किंगडम इन 1801 और ये पूरे मैप में जो भी ग्रीन एरिया है उसको काउंट करके हम सबको मिलाकर कहते हैं कि इट इज़ अ यूनाइटेड किंगडम आफ्टर यूनिफिकेशन यूनियन जैक फ्लैग बना इंग्लिश लैंग्वेज को प्रमोट किया गया और जो नेशनल एंथम है गॉड सेव आर क्वीन अडॉप्टेड एज अ नेशनल एंथम और जो पुराने जो भी कल्चर्स थे उसको हटा दिया गया अब है विजुअलाइजेशन ठीक है एलगॉर्गी एलिगॉर्गी का मतलब होता है कैरेक्टर एक तरीके से परसोनीफिकेशन ठीक है जैसे के अंदर आप देख सकते हैं मरियानी मरियानी का मतलब होता है कि एक फीमेल फॉर्म ऑफ फ्रांस जिसके अंदर बताया गया है कि लिबर्टी uh, और रिपब्लिक uh, के लिए ये हम लड़ रहे हैं और एक पब्लिक फिगर बनाया गया है ताकि लोग को कर सके समझ सके अपने आप को जर्मनी में भी एल्क्री लगाया गया पर्सोनिफाई किया है कंट्री को जैसे कि हमारे इंडिया में भी भारत माता बोला गया है हमारी कंट्री को वैसे ही जर्मनी को जर्मेनिया बोला गया ताकि लोग विजुलाइज कर सकें ओके क्योंकि okay? ज्यादातर लोग पढ़े लिखे नहीं है दे डोंट अंडरस्टैंड उनके लिए कंट्री का मतलब क्या है कि अगर हम इनको विजुलाइज नहीं करेंगे बताएंगे नहीं पर्सोनिफाई नहीं करेंगे कि भाई ये भारत माता है इसके लिए हमें लड़ना है नहीं तो उन केस क्या होगा कि वो समझेंगे नहीं कि यार हम पत्थर के लिए क्यों लड़ रहे हैं हम

नेवर यू नो सन नेवर सेट्स इन द ब्रिटेन कॉलोनी सो पर्टिकुलरली ये पूरे नेशन की बात है और इस मैप के अंदर आपको ये बताया जा रहा है द मैप सेलिब्रेटिंग ब्रिटिश तो नेशनलिज्म एंड एम्पेरियलिज्म अब नेशनलिज्म का मतलब तो हम समझ चुके हैं एम्पेरलिज्म का मतलब है जब आप जबरदस्ती अपनी देशभक्ति को दिखाने के लिए दूसरी कंट्रीज़ को भी जबरदस्ती आप फोर्सफुली कैप्चर uh, uh, कर लोनी कॉलोनाइज कर दो जैसे कि नेशनलिज्म कि ब्रिटेन जो इंग्लैंड है इट इज़ आर कंट्री लेकिन अगर इंग्लैंड ही सब कुछ है एंड वी आर फोर्स फोर्सिंग दैट फोर्स ऑन यू नो Uh, कि ज़बरदस्ती आप लोगों को मैनिपुलेट कर रहे हो और आप वहाँ के रिसोर्सेज आप यूज़ कर रहे हो सो दैट इज़ द फॉर्म ऑफ इंपेरलिज्म अब ये डेफिनेशन आप देख लेंगे इंपेलिज्म ठीक है कि हम अपना एरिया एक्सटेंड करेंगे रूल करेंगे दूसरे मिलिट्री फोर्स uh, करेंगे और uh, दूसरी कंट्री के रिसोर्सेज को हम यूज़ करेंगे नाउ द बल्कन क्राइसिस ये बल्कन क्राइसिस पर्टिकुलरली एटीन सेवेंटी वन के दौरान होता है बल्कन मतलब ये वो कंट्री थे जिससे पहले ओटोमन एम्पायर रूल करता था और उस पूरे जोन को बल्कन कहा जाता था उसमें अलग अलग कल्चर के लोग थे जैसे रोमेन रोमानिया बल्गेरिया अल्बेनिया ग्रीस मैसेडोनिया क्रोशिया बोस्निया बोस्नियाजो स्लोविया सर्बिया मोटनोबिया ये मतलब अलग अलग तरह के लोग थे वहाँ पे लेकिन जो ओटोमन बिस्मार्क है ओटोमन बिस्मार्क नहीं ओटोमन एम्पायर के जो रूलर है उनको जो टर्की के हैं उनको सब एक जैसे ही लगते थे बट दे आर मल्टी कल्चर्ड जब ये पूरा एरिया बल्कन जो रीजन है वो जब चला जाएगा टर्की के हाथों से तो इस अलग अलग कंट्रीज बन जाएगी उसे बोला जाएगा बल्कनाइजेशन ओके एंड इट इज द लार्ज पार्ट विच इज कंट्रोल्ड बाय द ओटोमन एम्पायर विच इज टर्की यू कैन सी हियर इस वीडियो को पॉज करके ध्यान से इस मैप को आपको फोकसली देखना है फिर आगे हम बात करेंगे तभी ये समझ में आएगा अदरवाइज नहीं आएगा ये ठीक है धीरे धीरे यूरोपियन क्योंकि सारी कंट्रीज जो बल्किन रीजन की थी वो यूरोपियन कंट्रीज थी ठीक है उनका कल्चर अलग था क्रिश्चियनिटी ओके ऑन द क्रिस्टानिटी जूज ओके इस तरफ जो है ओटोमन एम्पायर जो मुस्लिम है तो कल्चरल डिफरेंसेस हैं लोगों ने कोरिलेट uh, किया एंड देखा कि वी आर टोटली डिफरेंट और ये नेशनलिज्म की जो फीलिंग है धीरे धीरे आ गई थी और हर जो पर्टिकुलर जोन था ये पूरा ये चाहता था कि दैट वी अ डिफरेंट कंट्री विद आर कल्चर एंड सिमिलैरिटीज़